वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों नमस्ते, आइए आज सीखने का प्रयास करते हैं कि यू बनाते समय जब आप साइड में निकलेंगे पंच के नीचे से, जब आपको ओपोनेंट आपको हुक मारेगा और हुक से आप कैसे बचेंगे और हुक से बचते समय आप कौन से पंच का प्रयोग कर सकते हैं ज्यादा और कौन सा पंच ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, आइए ये सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे ये ओपोनेंट है मेरा और मैं इसको हुक मारूंगा, कौन सी हुक, लेफ्ट हुक, और लेफ्ट हुक में ये कौन से पंच का प्रयोग करेगा और बचेगा कैसे। जैसे मान लो मैंने लेफ्ट हुक मारी यहाँ ऐसे, ये लगेगी लेफ्ट हुक, ये ऐसे लेफ्ट हुक लगेगी, तो जैसे लेफ्ट हुक मारूंगा कौन सा बचेगा, ये ऐसे ही बनाएगा ये, और ये पंच लगेगा कौन सा, ये निकलते है ठीक है। और राइट अगर हुक मारूंगा राइट, तो राइट में कौन सा पंच लगेगा, राइट में राइट पंच लगेगा और लेफ्ट में लेफ्ट पंच लगेगा ठीक है। और कहाँ मारना है आपको, कहाँ मारना, पेट में, हाँ पेट में, कौन सा पंच, लेफ्ट साइड, ये वन, हाँ, और राइट साइड राइट पंच ठीक है। अगर आपको लेफ्ट हुक लग रही है तो इसका मतलब आपको किधर निकलना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, राइट साइड निकलोगे और पंच कौन सा लगेगा, लेफ्ट वाला। अगर आपको राइट हुक लग रही है तो लेफ्ट साइड निकलेगा और राइट, हाँ लेफ्ट साइड निकलेगा और राइट पंच मारेंगे, कहाँ मारेंगे पंच, पेट में मारेंगे। एक बार जरा करके दिखाएंगे, वेरी गुड वेरी गुड, दोबारा एक बार, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए दोस्तों, ऐसे हम अगर ये पंच आपका कनेक्ट हो गया पेट में, जब हुक मार रहा हो व्यक्ति लेफ्ट या राइट कोई भी, तो आपका ओपोनेंट जो है ना बैठ जाएगा और आगे की फाइट नहीं होगी, आगे की फाइट मतलब आपका ओपोनेंट जो है ना नॉकआउट हो जाएगा और आप फाइट जीत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में।